Hello and welcome to the fourth session of HTML. Today we cover the following topics: hyperlink, anchors and links, and HTML links, the href attribute, target attribute, resource material, tables and the border attribute, headings in the table, tables में heading कैसे देते हैं वो, empty cell in a table, and at the last table tags. First, hyperlink, anchors and links. A hyperlink or link is a word, group of words or image that can click on to jump to a new document or a new section within the current document. हम hyperlink को एज ए वर्ड ट्रीट करते हैं जिस पर क्लिक करते ही हमारा दूसरा पेज ओपन हो जाता है. वो सेम पेज भी पर भी ओपन हो सकता है और दूसरे विंडो पर भी ओपन हो सकता है. व्हेन यू मूव द कर्सर ओवर अ लिंक इन अ वेब पेज द एरो विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड. जब हम अपने कर्सर को लिंक पर लेकर जाते हैं तो वो पॉइंटर हमारा एज ए हैंड की शेप में कन्वर्ट हो जाता है. लिंक्स आर स्पेसिफाइड इन HTML यूजिंग द ए टैग. जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा है, हम हाइपर लिंक्स देने के लिए ए टैग यूज करते हैं. द ए टैग कैन बी यूज इन टू वेज. ए टैग दो टाइप से यूज किया जा सकता है. फर्स्ट, to create a link to another document by using the href attribute, जिससे हम किसी दूसरे document का reference देते हैं via href. To create and another way is to create a bookmark inside a document by using the name attribute. और second way है जिसके through हम एक bookmark define कर देते हैं current page में और हम उसका रेफरेंस दे सकते हैं. कंटिन्यू विद आवर स्लाइड्स. HTML लिंक सिंटैक्स. HTML के लिंक्स को हम कैसे देते हैं. द HTML कोड फॉर अ लिंक इज सिंपल. इट लुक लाइक दिस. ए टैग, ओपनिंग ऑफ ए टैग, देन href एट्रीब्यूट एंड देन URL. Then any text and then closing of a tag. The href attribute specify the destination of a link. Href attribute के through हम destination का link provide करते हैं. जैसा कि example में दिया गया है, href is equal to http://www.pcti-ltd.com. Visit W3 schools. ये लाइन लिखते ही हमारे पेज में विजिट W3 schools लिखा हुआ आएगा और उस पर क्लिक करते ही PCTI की साइट ओपन हो जाएगी. क्लिकिंग, जैसा लिखा हुआ है, क्लिकिंग ऑन दिस हाइपर लिंक विल सेंड द यूजर टू PCTI's होम पेज. इस लिंक पर क्लिक करते ही PCTI का होम पेज ओपन हो जाएगा. The link text does not have to be text. It can be an image or any other HTML document. जो a tag का link text होता है वो कुछ भी हो सकता है. वो further image भी हो सकती है या कोई HTML elements हो सकता है या फिर कोई simple text भी हो सकता है. इसका example देख लेते हैं. नोटपैड ओपन करते हैं. HTML स्टार्ट करने के लिए जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा है, HTML टाइप करते हैं. बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं. बॉडी देने के लिए एक एंकर टैग देते हैं जिसमें href डिफाइन करते हैं. यहाँ पर URL दे सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट हमें ओपन करना है. दे देते हैं http://www.pcti-ltd.com.
1 minute --www.pctiltd.com। यहाँ पर टेक्स्ट देते हैं PCTI। यहाँ पर हम कोई भी इमेज भी दे सकते हैं, टेक्स्ट भी दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई इमेज का URL देंगे या इमेज टैग देंगे तो उस इमेज पर क्लिक करते ही हमारी PCTI की साइट ओपन हो जाएगी, PCTI का होम पेज ओपन हो जाएगा। नाउ क्लोजिंग ऑफ एंकर टैग, क्लोजिंग ऑफ बॉडी टैग, एंड इन द लास्ट क्लोजिंग ऑफ HTML। सेव करते हैं फाइल को, फाइल सेव, सेव करते हैं इसको लिंक नाम से, link1.html लगाना मस्ट है, नहीं तो हमारी फाइल एज ए टेक्स्ट फाइल ट्रीट होगी। सेव करते हैं, फाइल पर जाते हैं अपनी, link1 double click on it। तो हमारा लिंक विजिबल हो गया है जिस पर की लिखा हुआ है PCTI। मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था जैसे कि कोई भी लिंक हमेशा ब्लू कलर में आता है और उसके वो अंडरलाइंड होता है। नाउ क्लिक करके देखते हैं इस पर, जैसे कि स्लाइड्स में लिखा हुआ था कि पॉइंटर इस पर मूव करते ही हैंड की शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया है, फिर से देखते हैं, क्लिक करते हैं लिंक पर, लिंक पर क्लिक करते ही PCTI की साइट ओपन हो जाती है। स्लाइड्स पर जाते हैं, नाउ एन HTML लिंक, HTML लिंक सिंटैक्स, द HTML कोड फॉर अ लिंक इज सिंपल, इट लुक्स लाइक दिस, ए टैग href इज इक्वल टू URL, आफ्टर दैट एनी टेक्स्ट और इमेज और एनी HTML एलिमेंट एंड एट द लास्ट क्लोजिंग ऑफ ए टैग। जैसा हमने अभी रन करके देखा, HTML में लिंक देने के लिए ये सिंटैक्स यूज किया जाता है, ए टैग, उसके बाद ए टैग का href एट्रीब्यूट, उसके बाद कोई भी URL, उसके बाद कोई भी टेक्स्ट और एट द एंड क्लोजिंग ऑफ ए टैग। द href एट्रीब्यूट, द href एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द डेस्टिनेशन ऑफ अ लिंक। href एट्रीब्यूट के थ्रू हम एंकर टैग को कोई भी डेस्टिनेशन प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ए टैग href इज इक्वल टू www.pctiltd.com विजिट PCTI। तो हमारे वेब ब्राउजर पर, हमारे करंट पेज पर वेब ब्राउजर के विजिट PCTI लिखा हुआ आएगा, जिस पर क्लिक करते ही ये हमने डेस्टिनेशन प्रोवाइड किया है href के थ्रू www.pctiltd.com, वो पेज ओपन हो जाएगा। टारगेट्स एट्रीब्यूट, मतलब हम इसमें एंकर टैग में डिफरेंट टारगेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स को कहां पर ओपन करना चाहते हैं, सेम पेज पर, अनदर पेज पर, या कहीं पर, या करंट पेज पर, बिलो करंट पेज। HTML लिंक्स, द टारगेट एट्रीब्यूट, द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम लिंक डॉक्यूमेंट को कहां पर ओपन करना चाहते हैं, वो हम टारगेट एट्रीब्यूट के थ्रू दे सकते हैं एंकर टैग में। द एग्जाम्पल बिलो विल ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट इन अ न्यू ब्राउजर विंडो और अ न्यू टैब। जैसा कि नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, इसके थ्रू हम डेस्टिनेशन को, यानी कि हमारे PCTI साइट को दूसरे टैब पर,
दूसरे टैब में ओपन कर सकते हैं। टारगेट से हम प्रोवाइड कर रहे हैं अंडरस्कोर ब्लैंक, इसको रन करके देख लेते हैं। इसी में ही टारगेट TARGET इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक दे देते हैं, जिससे कि हमारा डेस्टिनेशन न्यू टैब में ओपन होगा। सेव करते हैं फाइल को, फाइल सेव, नाउ ओपन द ब्राउजर एंड रिफ्रेश द पेज। क्लिक करते ही हमारा डेस्टिनेशन, हमारा PCTI का लिंक दूसरी विंडो में ओपन हो गया। तो ऐसे हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू विद आवर स्लाइड्स। नाउ टेबल्स, टेबल्स आर डिफाइंड विद द टेबल टैग। टेबल क्रिएट करने के लिए वेब पेजेस में हम टेबल टैग का यूज करते हैं। अ टेबल इज डिवाइडेड इनटू रोज विद द TR टैग एंड ईच रो इज डिवाइडेड इनटू डेटा सेल्स विद द TD टैग। TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा। किसी भी टेबल में हम दो चीजें क्रिएट कर सकते हैं, रोज एंड कॉलम्स। रोज हम TR टैग से क्रिएट करते हैं एंड फील्ड्स हम या कॉलम्स हम TD टैग से इंसर्ट करते हैं। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा एंड होल्ड्स द कंटेंट ऑफ अ डेटा सेल। TD जो भी हमें डेटा इंसर्ट करना है वो हम TD टैग के अंदर राइट करते हैं। अ TD टैग कैन कंटेन टेक्स्ट, लिंक्स, इमेजेस, लिस्ट, फॉर्म्स एंड अदर टेबल्स एक्स्ट्रा। TD टैग के अंदर हम टेक्स्ट दे सकते हैं, लिंक्स दे सकते हैं, इमेजेस दे सकते हैं, लिस्ट दे सकते हैं, फॉर्म्स दे सकते हैं और कोई अदर टेबल भी दे सकते हैं। कंटिन्यू। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें एक टेबल क्रिएट किया गया है जिसका बॉर्डर 1 दिया गया है। हम बॉर्डर 0 भी दे सकते हैं जिससे बॉर्डर विजिबल नहीं होगा। उसके बाद हमने एक न्यू रो क्रिएट करी TR टैग से और उस रो के अंदर पहली फील्ड बनाई जिसमें हमने डेटा दिया रो 1 सेल 1, जिस जैसे कि ये नीचे विजिबल है, ये फर्स्ट हमारा TD है, ये कंप्लीट एक TR टैग है, ये TR टैग से एक रो आएगी और ये TD है एक सेल एक कॉलम, ये सेकंड कॉलम अनदर TD एंड ये क्लोजिंग ऑफ TR। यहाँ पर हमारा TR फिनिश हो गया। उसके बाद हमने दूसरा TR स्टार्ट किया जो यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद TD टैग से हमने सेकेंड सेल क्रिएट किया जिसमें रो 2 सेल 1 इंसर्ट होगा ये। आफ्टर डैट अनदर TD, अनदर कॉलम रो 2 सेल 2, देन क्लोजिंग ऑफ TD एंड क्लोजिंग ऑफ TR। आफ्टर डैट क्लोजिंग ऑफ टेबल टैग। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको डिलीट करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं टेबल टैग से TABLE, उसके बाद TR टैग जिससे रो क्रिएट होगी हमारी। TR के बाद हम टेबल टैग यूज करते हैं, TD टेबल डेटा यूज करते हैं, TR स्टैंड फॉर टेबल रो। नाउ TD उसके अंदर जो भी हम विजिबल कराना चाहते हैं, नेम, क्लोजिंग ऑफ TD, अनदर TD,
रोल नंबर, क्लोजिंग ऑफ टीडी, नाउ क्लोजिंग ऑफ टीआर, हम एक और रो स्टार्ट करते हैं टीआर टेबल रो, इसमें हम लिखते हैं पहले कॉलम में लिखते हैं हम सहदेव, सॉरी कोई भी नेम, हम कंसीडर कर लेते हैं, लिख देते हैं अंकित, क्लोजिंग ऑफ टीडी, एंड आफ्टर दैट रोल नंबर, क्लोजिंग ऑफ सेकंड टीडी, नाउ क्लोजिंग ऑफ टीआर टैग, एंड एट द एंड क्लोजिंग ऑफ टेबल टैग। सेव करते हैं कंट्रोल एस या फिर फाइल सेव, ब्राउजर ओपन करते हैं, रिफ्रेश द पेज। अभी हमने टेबल का बॉर्डर नहीं दिया है जिससे कि हमारा कंटेंट टेबल में विजिबल नहीं है, हम बॉर्डर टैग एट्रीब्यूट यूज करते हैं, बी ओ आर डी ई आर इज इक्वल टू 1। सेव करते हैं फाइल सेव, गो टू ब्राउजर, रिफ्रेश द पेज, इससे हमारा टेबल का बॉर्डर विजिबल हो गया है। हमारी पहली रो है जिसमें पहला फील्ड है नेम, सेकंड फील्ड है रोल नंबर, एंड सेकंड रो में फर्स्ट फील्ड है अंकित एंड सेकंड फील्ड है 78। ये हमारी फर्स्ट टीआर है और ये सेकंड टीआर, ये हमारे टीडी फर्स्ट रो की टीडी 2 और ये सेकंड रो की टीडी 1 और टीडी सेकंड। टेबल्स एंड द बॉर्डर एट्रीब्यूट, जैसे कि हमने अभी बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज किया है, अगर हम बॉर्डर एट्रीब्यूट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो हमारा बॉर्डर विजिबल नहीं होता है, हमारे कंटेंट एज इट इज विजिबल हो जाते हैं बट वो टेबल की फॉर्म में विजिबल नहीं होते हैं। तो टेबल में बॉर्डर प्रोवाइड करने के लिए टेबल का बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज किया जाता है जिसमें हम बॉर्डर की विड्थ देते हैं, 0, 1, 2, 3 कितने भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हेडिंग्स इन अ टेबल, हेडर इन्फॉर्मेशन इन अ टेबल आर डिफाइंड विद द TH टैग, हम टेबल में हेडिंग देने के लिए TH टैग का यूज करते हैं। ऑल मेजर ब्राउजर डिस्प्ले द टेक्स्ट इन द TH एलिमेंट एज अ बोल्ड एंड सेंटर्ड, TH से हम जो भी प्रोवाइड करते हैं वो हमारा बोल्ड होता है और सेंटर में विजिबल होता है। हेयर वन एग्जाम्पल, टेबल बॉर्डर 1 TR, आफ्टर दैट TH हेडर 1, TH हेडर 2, आफ्टर दैट क्लोजिंग ऑफ TH, क्लोजिंग ऑफ TR, स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड रो, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, सेकेंड थर्ड रो, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, क्लोजिंग ऑफ TR एंड क्लोजिंग ऑफ टेबल। एग्जीक्यूट करके देखते हैं TH टैग, हम इसमें ही चेंजेस करते हैं, TH देते हैं हम पहली हेडिंग, उसमें हम नेम देते हैं, क्लोजिंग करते हैं TH की, TH टैग की, स्टार्टिंग ऑफ अनदर TH टैग, क्लोजिंग ऑफ TH, सेव करते हैं फाइल, ब्राउजर ओपन करते हैं, रिफ्रेश द पेज, रिफ्रेश करते ही मेरा नेम एंड रोल नंबर जो कि मैंने TH से डिफाइन किए हैं अब वो बोल्ड हो गए हैं, तो TH टैग हमारा टेबल हेडिंग
के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे कि हमारी हेडिंग्स हाईलाइट हो जाती हैं, बोल्ड हो जाती हैं। ये जो अभी हमने एग्जांपल किया है उसका आउटपुट दिखा रहा है। हमने अभी एग्जीक्यूट करके देख लिया ये ब्राउज़र पर कैसा रन होगा। एम्प्टी सेल्स इन अ टेबल, टेबल्स आर डिफाइंड विद द टेबल टैग, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा है। अ टेबल इज डिवाइडेड इनटू रो एंड कॉलम्स, रो को हम टी आर टैग से देते हैं और कॉलम्स को हम टी डी टैग से देते हैं। द लेटर टी डी स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा विच इज़ द कंटेंट ऑफ ए डेटा सेल, जिसके हम अंदर हम टेबल के कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। टेबल के डेटा के अंदर इमेजेस हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकता है, लिस्ट हो सकते हैं, पैराग्राफ्स हो सकते हैं। नाउ कंटिन्यू विद नेक्स्ट स्लाइड। टेबल टैग्स, यहाँ पर कुछ टेबल के टैग्स दिए गए हैं। सबसे पहला टेबल, जो कि हम यूज़ कर चुके हैं, टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। टी एच टेबल हेडिंग के लिए, टी आर टेबल को रो के लिए, टी डी टेबल के सेल के लिए। कैप्शन टेबल को कैप्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉलम ग्रुप टेबल में कॉलम्स की फॉर्मेटिंग डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोला सी ओ एल डिफाइन एट्रीब्यूट वैल्यू फॉर वन और मोर कॉलम्स इन अ टेबल, किसी भी टेबल में एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स की एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। टी हेड टेबल हेडर ग्रुप्स द हेडर कंटेंट इन अ टेबल, किसी भी टेबल में जो हेडर्स होते हैं उनके कंटेंट को ग्रुप करने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही टी बॉडी एंड टी फुट यूज़ किए जाते हैं, टेबल की बॉडी को ग्रुप करने के लिए और टेबल के फुटर को ग्रुप करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक फाइल बना रखी है ऑलरेडी, चेक करते हैं इसको, समझते हैं। HTML स्टार्ट किया हमने, हेडिंग स्टार्ट किया हमने, लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा था CSS, ये हमने CSS का यूज़ किया है स्टाइल टैग से, और ये हमारी इनर CSS है, इंटरनल CSS है। स्टाइल एट्रीब्यूट में टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट CSS यूज कर रहे हैं। TH हमने एक सेलेक्टर यूज़ किया, उसका कलर ग्रीन, टी बॉडी के लिए ब्लू, हाइट 50 पिक्सल, टी फुटर के लिए कलर रेड, स्टाइल क्लोज एंड क्लोज ऑफ हेडिंग टैग। हमने बॉडी टैग स्टार्ट किया, टेबल का बॉर्डर दिया 1, टी हेड यूज़ किया, टी हेड करते ही रो और कॉलम का कलर ग्रीन हो जाएगा, क्लोजिंग ऑफ टी आर एंड क्लोजिंग ऑफ टी डी। देन स्टार्ट ऑफ टी फुट, टी फुट का से कलर हमारा रेड आएगा, तो सम एंड 180 का कलर रेड आएगा। ऐसे ही टी फुट, क्लोजिंग ऑफ टी आर, क्लोजिंग ऑफ टी फुट, आफ्टर दैट स्टार्टिंग ऑफ टी बॉडी, जिससे कि जनवरी एंड $1 में जो भी हमने कलर डिफाइन किया है वो विजिबल होगा। हमने टी बॉडी में कलर डिफाइन किया है ब्लू और हाइट डिफाइन किया है 50 पिक्सल, हमारी हाइट कंटेंट की 50 पिक्सल हो जाएगी और उसका कलर ब्लू हो जाएगा। जनवरी एंड फेब का और 80 एंड 100 का कलर्स ब्लू हो जाएगा। इसको सेव करते हैं फाइल को, फाइल सेव, सेव करते हैं इसको table.html, सेव करते हैं, सेव, गो टू ब्राउज़र, ओपन द फाइल, डबल क्लिक ऑन इट। तो जैसा हमने HTML में लिखा था, टेबल हेडर हमारा ग्रीन कलर में आ रहा है, टेबल बॉडी हमारी ब्लू कलर में आ रही है और टेबल फुटर टी फुट हमारा रेड कलर में आ रहा है। तो ये कुछ टैग्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं टेबल्स में। नाउ हेयर आर टू क्वेश्चंस फॉर यू, डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन फर्स्ट,
define HTML link. So what is HTML links and how we define HTML link? HTML links are used for linking documents, and we define HTML link via a tag, anchor tag. उसके बाद हम href attribute यूज करते हैं a tag का, जिसमें कि हम destination provide करते हैं. उसके बाद हम कोई भी text देते हैं और उसके बाद anchor tag close करते हैं. Explain table tag. Table tag को explain कीजिए. टेबल टैग से हम कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं. हमें टेबल टैग लिखना होता है, उसके बाद टी आर टैग यूज़ करना होता है, जिससे कि टेबल रो डिफाइन होती है. उसके बाद टी डी टेबल के कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है. उसके बाद हम जितने मर्जी चाहें उतने कंटेंट्स डाल सकते हैं. क्लोज करते हैं हम फिर टी आर एंड आफ्टर दैट क्लोज करते हैं हम टेबल टैग. Now this is all for today. We will cover the next topic in the next slides. Thank you.